ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मातृम्योक्षिम अमृतात्। जी हाँ, बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसान तरीके से भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान इतने भोले कि आप किसी भी तरीके से, और इस कोई आडंबर नहीं, आपका जो मन करे जैसे मन करे भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। आपका मन है तो आप ओम नमः शिवाय कह ले, आपका मन है तो आप कुछ भी कह ले। भगवान शिव कि जो भक्ति है वो बहुत ही आसान मानी जाती है। आसान इसलिए मानी जाती है कि वो किसी खास खांचे में उनकी पूजा करने की विधि नहीं है। आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीके से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आपको जिस शिवालय में जाना है आप जाइए, आपको मन है तो आप घर पर कर ले, आपको मन है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना ले यानी कि मिट्टी से बना ले। और यही वजह देखिए, आपको जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है सबके अपने अपने महत्व, अलग अलग तरीके से उनका निर्माण हुआ और वो उसी तरीके से पूजे भी जाते हैं। तो ये भगवान शिव की सबसे बड़ी खासियत होती है। जैसे कि भगवान रामेश्वर मौजूद हैं तो वहां पर भगवान राम ने उनका निर्माण किया और रेत से बना दिया, वो भगवान शिव हो गए, रामेश्वर हो गए, राम का ईश्वर हो गए। तो ये भगवान शिव की सबसे बड़ी खासियत। तो यही वजह है कि ज्यादातर लोग, जितने भी अगर सनातन धर्म की बात करें तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं सनातन धर्म आने वाले जिनके इष्ट देव भगवान शिव ही होते हैं, क्योंकि शिव, आप शिव को कहीं भी ढूंढ सकते हैं। और कहा ही जाता है कण कण शंकर, यानी कि शिव तो कण कण में मौजूद हैं। उनको पाने के लिए या उनसे उनसे मिलने जाने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप खड़े खड़े कहीं भी आप भगवान शिव को सुमिरन करने लग जाएं, आप ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाएं, आपको भगवान शंकर आपके मन मस्तिष्क में चारों ओर आपको नजर आने लग जाते हैं। और यही वजह है कि श्रावण, और जब श्रावण मास की बात हो जाती है तो फिर श्रावण मास तो ऐसे ही खास हो जाता है। तो हम लगातार न्यूज 11 भारत के जरिए तमाम जो शिवालय हैं, जो खासकर शिवालय झारखंड में मौजूद है, उनकी तस्वीर आप तक घर बैठे पहुंचा रहे हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो आप घर बैठे भी, चाहे बाबा बासुकीनाथ हो जाए, बाबा बैद्यनाथ हो जाए, पहाड़ी मंदिर हो जाए, बाबा पहाड़ी हो जाए, सभी के दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सीधी तस्वीरें वहां तक हम तक पहुंचा रहे हैं। तो हम दीप नारा हमारे साथ हैं देवगढ़ से, प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से हैं, और अंजनी हमारे साथ पहाड़ी मंदिर से है यहाँ पे रांची से। तो एक बार फिर से हम चलते हैं अंजनी के पास और पहाड़ी मंदिर से तस्वीरें देखते हैं कि पहाड़ी मंदिर में आखिर खास क्या चल रहा है, और वहां पर जो लोग हैं क्या ज्यादातर लोग नीचे ही रह रहे हैं, और कितना ऊंचा जो मेन मंदिर है वो कितने दूर, अंजनी कितने सीढ़ी चढ़ने पड़ते हैं यहाँ पर? देखिए पंकज, पहाड़ी मंदिर में पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए आपको लगभग 526 जो सीढ़ियां हैं वो आपको पार करते हुए ऊपर मुख्य मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। और धीरे धीरे तमाम लोग जब भीड़ में लोग आते हैं तो पहाड़ी बाबा तक पहुंच जाते हैं, और एक यहाँ जैसे लोग पांव रखते हैं तो एक अलग लोगों में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक अलग शक्ति, एक उत्साह दिखाई देता है। और जिस तरह से तभी आपने एक बड़ा अच्छी बात आपने कही कि भोले बाबा को आप किसी भी रूप में कहीं भी आप पूजा कर सकते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी तमाम दर्शक जानते हैं लेकिन एक बार बताना भी जरूरी है, आप शिव बारात देखें तो शिव बारात देखेंगे तो लगता है कि भोले बाबा पूरी दुनिया के हैं, कौन उस बारात में शामिल नहीं होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो महिमा है, उनकी जो कृति है, वो हर जगह फैली हुई है। और यही वजह है कि जब पहाड़ी मंदिर में लोग आते हैं तो कहा जाता है पहाड़ी बाबा भी कण कण में बसे हैं, लोग मुख्य द्वार में ही अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। और कहीं यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिसे मन्नतों वाला पेड़ कहा जाता है, तो एक अलग पहाड़ी मंदिर का जो परिसर है, पूरे सावन में एक पहाड़ी बाबा और शिव के नाम से गुंजायमान होता है और कहीं ना कहीं एक नई शक्ति देता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इसके साथ साथ तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि रांची का पहाड़ी मंदिर पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन होता है। ये पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है, तो आस्था और राष्ट्रीयता का एक बड़ा केंद्र है। और यही वजह है कि यहाँ 15 अगस्त के दिन भी एक अलग रौनक होती है, और जब सबसे पहला जो झंडा है पूरे रांची में पहाड़ी मंदिर में फहराया जाता है, और ये परंपरा 1947 से चली आ रही है। तो एक आप समझ सकते हैं कि किस तरह से का संगम है, एक आस्था का, आस्था की बात है तो दूसरी तरफ
राष्ट्रीयता और भारतीयता की भी बात ये मंदिर करता है। देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं अभी धीरे धीरे उतर रहे हैं, क्योंकि भीड़ भी आप देखेंगे तो काफी भीड़ है। और जो पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था में जो पुलिस प्रशासन है, जिला पुलिस बल है, आरएसएस के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तमाम लोगों का सहयोग होता है। कई सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो भी आकर इसमें सहयोग करते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और आप देखेंगे ये जो मुख्य मंदिर है वहाँ आपको ये नाग देवता का भी मंदिर है। और जब पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के भी मंदिर जो है यहाँ पे हैं, और यही वजह है जब भक्त आते हैं तो कई देवी देवताओं की यहाँ पे पूजा करते हैं। और हमने पहले ही कहा है कि पहाड़ी बाबा रांची के नगर देवता है, और नगर देवता के मान सम्मान में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। पूरी आस्था के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, पूजा करते हैं। और यही सावन का महीना होता है, और सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली है। और सावन ये भी संदेश देता है कि जिस तरह से हम लोगों ने पूरे सावन के महीने में जिस तरह से पेड़ पौधों की रक्षा की, वृक्षारोपण की, उसी तरह से हमें आगे भी शिक्षा भी मिलती है। जाहिर सी बात है भगवान भोले के पूजा करने से, उनकी प्रार्थना करने से, जाहिर सी बात है जैसे कि आपको दिखाया जाता है कि आप सरल रहें, स्वभाव आपका सीधा रहे, आप विनम्र रहें, आप सबकी मदद करें, आप स्वअनुशासित हो, आपने प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो बहुत कुछ वाकई में ये बात बिल्कुल सही कहा जाता है कि ठीक है कि बहुत सारे आडंबर सनातन धर्म में है, लेकिन अगर भगवान शिव की बात करें तो आप खुद को अनुशासित कर लेते हैं और हर एक के प्रति आप जिम्मेदार बन जाते हैं। हर एक के प्रति जो जवाबदेही आपकी बनने लगती है, आप खुद को ये महसूस करते हैं कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। चलते हैं, रुक करते हैं हमारे सहयोगी दीप नारायण का, जो हमारे साथ बाबा बैद्यनाथ धाम से सीधा जुड़े हुए हैं, और उनका भी रुक करते हुए जानते हैं कि फिलहाल की स्थिति वहां पर क्या है। एक बात जो दीप नारायण लगातार हम कहते हैं कि जो बाबा की जो भक्ति में से जो शक्ति मिलती है वो अपने आप में बहुत ही अलौकिक होती है, बहुत ही पावरफुल होती, बहुत ही ताकतवर होती है, कि लोगों को लगता है कि अब मेरा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अब बाबा का हाथ मेरे ऊपर हो चुका है। तो एक वो एक अलग उत्साह, जो एक ऊर्जा होता है, वो कैसा नजर आता है? मतलब अगर हम महसूस करना चाहें आपके शब्दों के जरिए या फिर आपके उन तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त शिव भक्तों में नजर आ रहा है, तो चाहेंगे कि आप दिखाएं। आप सही कहा कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में आने से ही एक अलग ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। आपको बता दें कि आपको अगर ऊर्जा की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका बेहतर और सटीक उदाहरण आपको इस बैद्यनाथ धाम में ही देखने को मिलेगा। आप समझिए कि एक भक्त जो सामान्य जिंदगी जीते हैं, सामान्य तौर पर जीते हैं, और 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा से वो जल भरते हैं, पार पैदल कंकरीले रास्ते से गुजरते हैं, फलहार में रहते हैं, कुछ निर्जला रहते हैं, और 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद देवघर में उन्हें 20 किलोमीटर घूमना पड़ जाता है, और उसके बाद बाबा भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। और हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये निकास द्वार है, और इस निकास द्वार में जो भी भक्त बाबा को जलार्पण कर बाहर निकलते हैं उनके ललाट पर, उनके मस्तिष्क पर, उनके चेहरे पर आप जो ऊर्जा देखते होंगे, जो भाव देखते होंगे, जो प्रसन्नता देखते होंगे, इस बात को बिल्कुल वो साबित करते हैं कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में आने से ही एक अजीब सी ऊर्जा का स्रोत होता है जो मानव को आगे के लिए प्रेरित करता है। आप देख लीजिए किसी के चेहरे पर आपको थकान नजर नहीं आएगी। आखिर एक व्यक्ति 8 से 12 घंटे कहीं काम करता है और घर आता है तो वह थकान भरा होता है उसका चेहरा, लेकिन 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा और इसमें 20 किलोमीटर का यहाँ का सर्किल जोड़ ले आप, तो तकरीबन 145 किलोमीटर का ये 35 किलोमीटर का ये जो रास्ता है वो तय करने के बाद क्षणिक भर आप कह लीजिए कि 1 सेकंड से 3 सेकंड का वक्त मिलता है इन्हें बाबा से मिलने का, और उसमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है तो शिव को इससे बेहतर समझने का कोई और धाम नहीं हो सकता है। तो बाबा धाम में आने वाले हर भक्त
यही सीख देते हैं कि बाबा में असीम शक्ति है, उनमें एक ऊर्जा का स्रोत होता है, जो ऊर्जा अगर मनुष्य उनके ध्यान में लगकर उसको अपने आप में आत्मसात करे, अपने में ग्रहण करे, तो आगे की जिंदगी जो है वो तनाव मुक्त जी जा सकती है। और बाबा भोलेनाथ तो खुद विष को पान करने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ जो है वो अगर रानी है, बाबा भोलेनाथ जो है वो बड़े सीधे साधे हैं, तभी तो इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। और आपको बता दें कि सावन का महीना है, वो खास इसलिए होता है क्योंकि समुद्र मंथन भी इसी में हुआ। बाबा भोलेनाथ की जटा में गंगा का वास है, चंद्रमा इन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। और सोमवारी का व्रत की बात जहाँ कर ले, माता पार्वती ने भी 16 सोमवारी का व्रत किया था और बाबा भोलेनाथ को प्राप्त किया था। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि रावण से जुड़ी यहाँ की कई कहानियां हैं, और रावण ने भी हठ योग किया था, अपने एक एक सर को कलम करने के बाद शिव को प्राप्त किया था। शिव के लिए इतना तप क्यों? क्योंकि शिव में एक ऊर्जा है, वो मनोकामना लिंग है और वो शक्ति है जिसे हर व्यक्ति पाना चाहता है। और रावण की भी हृदय इच्छा यही थी कि वो इस शिव को प्राप्त करे और उसे अपने लंका में लंका ले जाकर वहां पर स्थापित करे, ताकि उनका जो प्रदेश है लंका नगरी, वो उनका कल्याण हो सके। तो जगत के कल्याण के लिए शिव से बड़े कोई और नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि बाबा भोलेनाथ हर व्यक्ति के दिल में बसे हैं, कण कण में शिव है। और आप समझ लीजिए कि जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए कोई आहार बना है, उनके पूजा की अलग अलग विधि विधान है, लेकिन शिव के आप महज गंगा जल और बिलपत्र चढ़ा दीजिए, भगवान भोले खुश हो जाते हैं। तो इससे सादगी भरा पूजा और कोई नहीं हो सकता है, इससे सादगी भरे आराधना नहीं हो सकती है। तो शिव जो है इसीलिए सर्वत्र माने जाते हैं, सर्वोपरि माने जाते हैं, क्योंकि शिव ही सुंदर है और सब कुछ शिव में ही है। तो बाबा धाम चूंकि और खास इसलिए हो जाता है कि एक तो ये शिव नगरी है, दूसरी ये शक्तिपीठ है, तो यहाँ पर बाबा के साथ साथ माता का भी आशीर्वाद मिले, यही कारण है कि देश विदेश में बाबा धाम का अन्य शिवालयों से अलग महत्व रखा जाता है। और यहाँ की जो पुरानी कहानियाँ है, यहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज है, यहाँ की जो पूजा पद्धति है, वो अन्य मंदिरों से बिल्कुल भिन्न है। मंदिर की बनावट भी जो है वो अन्य मंदिरों से भिन्न है। और चूंकि ये रावण जो सबसे बड़ा विद्वान था, सबसे बड़ा पंडित था, हालांकि वो राक्षस कुल में जरूर थे, लेकिन आपको बता दें कि दशहरा में जहाँ पर रावण वध का कार्यक्रम होता है, पुतला दहन किया जाता है रावण का, लेकिन बाबा नगरी एक ऐसा जगह है जहाँ पर रावण की पूजा होती है, क्योंकि यह ये धार्मिक धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है। ये जानते हैं कि रावण ने जो कुछ भी किया था वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए किया था, और रावण से बड़ा विद्वान नहीं था जिसकी सीख प्रभु रामचंद्र जी भी उनसे लेते थे। तो ये नगरी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक रंगत है, इसका आध्यात्मिक इतिहास अलग है। यही कारण है कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो हर आम और खास होते हैं, और ये जो खास और आम भक्त होते हैं सभी आज गेरुआ रंग में रंगे हुए हैं। और सावन की आज ये तीसरी चौथी और अंतिम सोमवारी है, तो बाबा भोलेनाथ के दरबार में आने का ये जो बेहतर मौका 2 साल के बाद मिला है भक्तों को, उसे चूकना नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात यहाँ पर रखी। जाहिर सी बात है कि देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आप शिव भक्त है तो अपने आप में आपके पास एक सर्टिफिकेट है और आप एक अलग रंग में नजर आते हैं, कि यानी कि आपके ऊपर शिव की भक्ति है। बहुत ही सही बात है। प्रभात का भी रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए दीपनारायण ने बहुत अच्छे तरीके से एक बात बताई यहाँ पर कि भगवान शिव के दरबार में कोई अंतर नहीं हो, कोई विभेद नहीं है, गरीब अमीर महिला पुरुष बुजुर्ग बच्चा और यहां तक कि देव दानव किन्नर, किसी में कोई अंतर नहीं है। जो भी शिव की भक्ति करता है शिव उसे अपना आशीर्वाद देते हैं, ये सबसे खास बात होती है। जमशेदपुर में हम क्या नजर हम देख पाएंगे आपके जरिए, जो एक खास बात हमको देखने को मिल रही है हाल फिलहाल के दिनों में कि जो युवा वर्ग है वो खुद को शिव भक्त के तौर पर सामने लाने लगा है, यानी कि बहुत सारे हमारे ऐसे जो यूथ जो हमारे आज हैं उनकी भी शिव में बहुत ज्यादा आस्था दिखने लगी है। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव हम कहते हैं कि शिव के जरिए आ पाता है, क्योंकि बाकी नंबर आप नहीं कर पाते, लेकिन शिव की भक्ति इतनी आसान, उनकी पूजा इतनी आसान कि यूथ भी खुद को शिव से कनेक्ट कर लेता है। कहते
देखिए क्या होता है कि जब भोले बाबा के जल चल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं या रुद्राभिषेक होता है तो पहले अमूमन आपको सर में केवल टीका नजर आता था, लेकिन आजकल ऐसे हो गए हैं कि जो भी यूथ है जो बाबा का जल अभिषेक करके निकलते हैं या फिर रुद्राभिषेक होता है तो उनके में माथे पर चंदन का जो तिलक होता है तीन लकीर वाला वो नजारा देखने को मिलता है। ये सही बात है कि जिस तरीके से यूथ कहीं ना कहीं इस पूजा अर्चना में भोले बाबा के भक्ति में लीन है, और आपको दिखाते हैं, देखिए ये यूथ ही है यहाँ पे जितने ही आपको नजर युवा ही है जो छोटे स्कूल के छात्र कह लें या फिर कॉलेज के स्टूडेंट कह लें वो बाबा को जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं और बहुत सारे लोग के जो बाबा का आरती भी करते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित है अलग अलग तरीके से लोग भक्ति भाव में अपने बाबा को जलाभिषेक करने थे। और देखिए ये बाबा का डमरू भी बज रहा है, ये एक बाबा का ये भी एक भक्ति का रूप होता है, त्रिशूल है, डमरू है और नागशाप है, तो ये भी एक रूप है बाबा का। लोग यहाँ मंदिर में पहुंच रहे हैं डमरू बजाकर कहीं ना कहीं बाबा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा के भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं। आपने सही कहा कि जिस तरीके यूथ अब बाबा की जो भक्ति में नजर आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल में बोले या कॉलेजों में बोले, अब तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो स्कूल के आसपास जो मंदिरों होते हैं वहाँ भी भक्त पहुँच रहे हैं, और खासकर छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल की जो होती है चाहे स्कूल के स्टूडेंट होते हैं वो भी बाबा को जल चढ़ाने पर, हालांकि स्कूल का समय चलता है, स्कूल के पहले लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड मैंने बहुत जमशेदपुर में देख रहा हूँ चाहे अन्य जगहों पर भी, जो तीन चंदन का जो तीन उंगली का जो माथे पर तिलक लगाया जाता है वो काफी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है भक्ति की ओर जा रहे हैं। निश्चित है बाबा का पूजा अर्चना करना चाहिए, बाबा ऐसे भी भोलेनाथ है, भोलेनाथ कहा जाता, भोलेनाथ शंकर कहा जाता है, और बाबा को आप अगर सच्चे मन से एक बेलपत्र धतूरा या फिर भांग चढ़ाकर आप बाबा से मांग लेते हैं निश्चित है बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और ऐसी इसीलिए सावन का महीना बहुत पावन कहा जाता है, हालांकि साल भर पूजा भक्त कहीं भी कर सकते हैं, बाबा हर कण कण में है, लेकिन सावन का महीना में एक अलग महत्व होता है। बाबा को जल चढ़ाने के लिए लोग बैद्यनाथ धाम जाते हैं, बासुकीनाथ जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर काशी भी सुना जाते हैं, तो अलग अलग लोगों में अपनी अपनी आस्था और जिस तरीके से श्रद्धा भाव से लोग अपने सर्वार्थ के हिसाब से बाबा को जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ भी वही स्थिति है। और जिस तरीके से लगातार जो छोटी छोटी बच्चियां हैं चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं चाहे बुजुर्ग हैं वो बाबा को जल चढ़ाने पहुंच रहे, और बहुत तरीके से अगर थाली में आपको नजर है, मैंने दिखाया था कि किस तरीके से एक भक्त को पांच पत्र का बेलपत्र मिल गया था, तो वो अमूमन बहुत कम ही लोगों को नजर दिखता है। बेलपत्र में अगर तीन का बेलपत्र होता लेकिन पांच मिल जाने से तो भाग आपके हो जाते। और सबसे बड़ी बात है पंकज, यहाँ का जो शिवलिंग है वो बहुत भव्य रूप है। शहर में बहुत सारे ऐसे शिवलिंग आप हम जमशेदपुर में है, गुलबुरी में है, जो नेपाली सेवा समिति वर्ग के द्वारा बनाया जाता है वो है, लेकिन इतने बड़े शिवलिंग आपको यही बिष्टुपुर में नजर आएगा, क्योंकि आप और ये शिवलिंग का जो पूरा आकार है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा को जल चढ़ाने के बाद लोगों के पैर में लगते थे, तो यहाँ पे ऐसा अच्छा इतनी अच्छी बना दी गई है कि बाबा को आप बेलपत्र जल या दूध चढ़ाते तो इनका एक अलग से एक धार बनाया गया है, वो नीचे सीधा एकदम एक पेड़ में चला जाता है, ना कि मैं जो शिवलिंग है शिवलिंग के बाहर जल गिरता है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने किया है कि क्योंकि बाबा को जल चढ़ाने के बाद में पैर में नहीं लगना चाहिए अमूमन, और सब मंदिरों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था की गई स्थापित की गई है और पूरी शिवलिंग की आकार बना दी गई है ताकि बाबा को अब जल चढ़ाए तो बाबा का जल शिवलिंग के ही जो अर्घा है उसी में रह जाए, और उसके बाद इसे जल को जो बाद में जो पेड़ में या फिर अन्य जगह में या फिर नदियों में विस्तृत की जाती है। तो सही बात आपने कही कि अगर 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 भक्ति आपको करनी है तो भक्ति आप अगर भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो जाहिर सी बात आपको बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलता है कि मतलब हर एक चीज का महत्व होता है, ना सिर्फ जैसे कि हमने ये बात कही कि पूजा करने का तरीका बहुत ही आसान है, सामान्य तरीके से कैसे भी आप पूजा कर ले भगवान खुश हो जाते हैं, कुछ भी चढ़ा ले खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सीख भी हमें देता है कि हर एक चीज का महत्व है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज जो प्रकृति में मौजूद है वो महत्वहीन है, सबका एक महत्व होता है, और इसलिए हर एक चीज जो भी भगवान शिव को चढ़े उसका अपना महत्वपूर्ण अपने आप हो जाता है वो अपने आप में। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, प्रभात कर लीजिए, हम अंजनी के पास चलते हैं, अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, प्रभात के साथ बात हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है उनकी भक्ति जो है उनकी आस्था जो है वो भगवान शिव में बढ़ने लगी है। भगवान शिव की ना सिर्फ वो पूजा कर रहे हैं बल्कि वो त्रिपुंड लगाना हो जाए या उनके तरह जटा का भी फैशन एक चल गया, यानी कि भगवान शिव जो है वो यूथ आइकन ही बन गए हैं।
और देखिए आपने सही कहा है कि पहाड़ी बाबा भोले बाबा यूथ के आइकॉन हैं और आज का यूथ को आप को हाथ को देखेंगे तो आजकल एक टैटू भी जो बनाया जाता है भोले बाबा का टैटू बनाया जाता है और हमारे साथ यूथ का एक पूरा ग्रुप है, लोगों से बात करते हैं और थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि ये सावन के महीने में और कितनी भक्ति होती है। पूरे जोरों शोरों से भक्ति होती है, हम एकदम लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते हैं, बाबा के सामने पूरा विलीन हो जाते हैं, एक महीना पूरा बाबा को हम याद करते हैं जी। सावन के महीने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मैं बन सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये का भी एक बड़ा क्रेज भी है कि जो यूथ है आजकल पहाड़ी बाबा भोले बाबा को की पूजा बहुत करता है, हाथों में टैटू भी लोग बनवाते हैं। बाबा तो पहले से ही बहुत सब में लीन होते हैं और उसके बाद आपका जो यूथ है आज के यूथ आपके भगवान पे भगवान की ओर जा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे पहाड़ी बाबा सभी के बाबा है, मतलब कि यूथ हो बच्ची हो सबका वो करते हैं, तो यूथ भी और हम लोग भी जो है पहाड़ी बाबा का पूरा महीना फास्टिंग रखते हैं, आज लास्ट सोमवार है तो हम यही कहना चाहेंगे जो लास्ट सोमवार है वो बहुत ही अच्छा हरा खिला हो, सबकी जिंदगी में खुशियाँ देके जाए बाबा और भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि सब खुश रहे। थैंक यू। ऐसे समय में पूरा एक महीना जो होता है वो और क्या बताता है, क्या हमें सीखने को मिलता है? हमें यही सीख मिलती है कि बाबा से हमें प्रेरणा मिलती है कि कुछ भी हो बाबा को हमेशा याद करना चाहिए, सिर्फ सावन में ही नहीं हमें हमेशा बाबा को याद करना चाहिए। आप बताइए कैसा लगता है पूरे सावन? बहुत अच्छा लगता है। फास्टिंग होगा जी? पूरा फास्टिंग रहेगा। देखिए ये यूथ है और आपने जिस तरह से कहा यूथ के आइकॉन है पहाड़ी बाबा शिव भगवान, तो ये तमाम लोगों को आपने सुना जिस तरह से इन्होंने कहा कि सभी लोग जो है पूजा करते हैं, विशेष तौर से एक क्रेज भी है ललाट पे देखेंगे आपको रांची का पूरा जितना शिव मंदिर है तमाम जगहों में यूथ की भीड़ होती है और ललाट पे देखेंगे एक अलग तरह का जो टीका होता है वो लोग लगाते हैं और कहीं ना कहीं पहले की तुलना में लोगों में भक्ति आस्था जो है पहाड़ी बाबा के प्रति काफ़ी बढ़ी भी है और संख्या जो है देखेंगे आज का दिन चौथी और अंतिम सोमवार का दिन है और लगभग लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं अब तक पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक कर चुके हैं, तो एक हम कह सकते हैं कि पूरे रांची के लोग जो हैं ऐसे समय में यहाँ आना चाहते हैं और पूजा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मन की जो पीड़ा है उसे व्यक्त करना चाहते हैं, कष्टों से दूर रहना चाहते हैं और यही वजह है कि कष्ट करते हुए तमाम जो शिव भक्त हैं वे पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं। आप देखेंगे स्वर्णरेखा नदी नामकुम से लोग जल लेकर आते हैं पंकज, तो आप समझिए कितना लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं पैदल और पूरे रात भर पूरे रांची में कहीं ना कहीं पहाड़ी बाबा को लेकर पूरी तरह से जो बोल बम के जो नारे हैं वो सुनाई देते हैं, तो सावन का महीना पवित्र महीना है, कई संदेश भी दे रहा है और हमें अपने जीवन से जरूर आत्मसात भी करना चाहिए और ये भी बता रहा है कि जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड में हरियाली है इस हरियाली को अपने जीवन में भी जरूर उतारना चाहिए, मतलब ये है कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल अंजनी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो श्रावण मास है वो आपको हर तरीके से न सिर्फ सीख देता है बल्कि जीवन जीने का तरीका भी बताता है, यानी कि एक सीख ऐसी कि आपके कर्तव्य क्या है वो आपको करना चाहिए और हर किसी की जिम्मेदारी जो है वो उसे उसी तरीके से निभानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका भी और प्रभात आपका भी और दीपनारायण आपका भी। तो कुल मिलाकर देखिए ये एक ऐसा मौका था श्रावण का, एक ऐसा मौका होता श्रावण का कि जिसमें आप भगवान की भक्ति करते हैं, आप आध्यात्मिक क्यों लगातार बढ़ते चले जाते हो क्योंकि ये बारा भी जाता है कि अगर आप जिस तरीके से दौड़ भाग की जिंदगी में बने हुए हैं और ऐसे में जिस तरीके से तनाव का सामना करते हैं ऐसे में आध्यात्म ही है जो आपको तनाव मुक्त करता है, आपको दबाव मुक्त बनाता है, साथ ही साथ जो जिस तरीके से आपकी दिनचर्या है जो आपका खान पान है वो श्रावण मास में बिल्कुल सुधर जाता है, यानी कि आप सामान्य भोजन करते हैं जो आपके शरीर के अनुकूल होता है, जो शरीर में मौजूद बहुत सारे टॉक्सिन्स को विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, साथ ही साथ आपको अपने जो पर्यावरण है
उसके प्रति आपको संजीदा बनाता है कि कैसे पानी का संरक्षण आप करें ताकि आप पानी का इस्तेमाल करते हुए भगवान भोले को हमेशा जलार्पण कर पाए, उनका जलाभिषेक कर पाए। ठीक है कि श्रावण मास में आप सोमवारी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन आपको सालों भर पानी चाहिए, यह महत्व। और अगर आपको सावन में पानी चाहिए तो फिर आपको उस पानी को बचाना होगा, पानी का संरक्षण करना होगा। आपको बेलपत्र चाहिए तो आपको सालों भर बेल के पत्ते को यानी कि प्रकृति को संरक्षित करना होगा। तो एक साथ जो श्रावण मास है, जो सोमवारी का दिन है, या भगवान शिव की भक्ति है, वो बहुत कुछ आपको सिखाता है, आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, आप कैसे व्यवस्थित रहें, कैसे अनुशासित रहें, वो सब कुछ बताता है। और वही सब कुछ बताया हमारे सहयोगियों ने, वहां की तस्वीरें भी यही बता रही थी कि कैसे शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरे आध्यात्मिकता के साथ में भगवान शिव के रंग में नजर आ रहे थे वो, और भगवान भोले भंडारी के जयकारे करते नजर आ रहे थे। चलिए, सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।